अपनी वीडियोस में मैं बार बार यही कहता हूं कि जब भी बॉलीवुड हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, तब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर ये बात कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो सिर्फ एक फिल्म है, इसमें इतना भाई नाराज होने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट का विषय है। लेकिन जब यही चीज दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ होती है तब भाई बवाल खड़ा हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल शब्द को लेकर जिस तरह से बवाल पूरा खड़ा हुआ, उसका मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म दोनों ने ही विरोध किया। तो सोच लीजिए वो बात बड़ी हो सकती है, तो भाई किसी भी फिल्म में हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना ये बात बड़ी क्यों नहीं हो सकती। अब ऐसी एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मणिरत्नम ने बनाई है, इस फिल्म का नाम है नौरस। नौ छोटी छोटी कहानियों को लेकर ये पूरी कहानी बनाई गई है नौ रस के ऊपर, जिसमें क्रोध, करुणा, साहस, भय, हंसी, प्रेम, शांति और आश्चर्य जैसी चीजें शामिल है, यानी कि नौ स्टोरी है, और इसे नौ अलग अलग डायरेक्टर ने मिलकर बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च हुआ, उस पोस्टर लॉन्च में पीछे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई है, जिसे लेकर भाई मुस्लिम धर्म नाराज हो गया है। मुस्लिम धर्म का ये कहना है कि हमारी आस्था एंटरटेनमेंट का विषय नहीं हो सकती, हमारे कुरान का मजाक उड़ाया गया है। अब इन्हीं चीजों को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया है, नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर बैन करने की मांग की जा रही है, और यहां तक कि नेटफ्लिक्स को भी बैन करने की बातें कही जा रही है। देखिए नाराजगी होनी भी चाहिए, कोई भी धर्म या जाति एंटरटेनमेंट का विषय नहीं हो सकती है। अगर आप धर्म और जाति को दिखा रहे हो तो अच्छी चीजों में दिखाओ, उसका मजाक मत बनाओ। देखिए धर्म जो होता है वो आस्था का विषय होता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म। लेकिन ज्यादातर होता क्या है हमारे देश में कि धर्म का और जाति का इस्तेमाल फिल्मों की प्रमोशन के लिए किया जाता है और राजनीति में दंगे भड़काने के लिए किया जाता है। इसलिए जब भी किसी धर्म या जाति का मजाक उड़े तो सभी को चाहिए कि भाई उसके खिलाफ खड़े हो, ना कि आज मेरे ऊपर आई है तो मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगा, कल तेरे ऊपर आएगी तो मैं भाई खड़ा ही हूँ तेरा मजाक उड़ाने के लिए। ये बात होती है, इसलिए धर्म और जाति वाले दंगे और फसाद जो हैं ये होते रहते हैं। तो इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।